हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा घर के लिए हार्ड वाटर सॉफ्टनर कैसे चूज करना है। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है, दूसरा हार्ड वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत क्या है, इससे हमारे घर को क्या नुकसान है, और तीसरा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसमें से आप अपने घर के लिए एक सूटेबल टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हार्ड वाटर के डेफिनेशन से कि हार्ड वाटर क्या होता है। बुनियादी तौर पर हमारे घर में जो पानी दस्तयाब है वो दो तरह का होता है, एक जिसे हम म्यूनिसिपलिटी वाटर या बल्दिया का पानी कहते हैं, ये पानी कोई नदी या दरिया का होता है जो कुदरती मीठा होता है, इसलिए हम इसे मीठा पानी कहते हैं। दूसरा हमारे घरों में होता है ग्राउंड वाटर जो हमारे बोरवेल से आता है। बोरवेल के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम इसे खारा पानी कहते हैं। ये नमक कुछ और नहीं बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। इसकी अधिक मात्रा होने की वजह से ये हार्ड वाटर कहलाता है। दूसरा सवाल था कि इस हार्ड वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत क्या है, इससे हमें क्या नुकसान है। ये पानी जब हमारी बिल्डिंग के ओवरहेड टैंक से पाइप्स के ज़रिए हमारे बाथरूम्स में और हमारे किचन के नलों में आता है तो पाइप्स को ख़राब करता है। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है वो इन पाइप्स को क्लॉग करता है, ये कैल्शियम उन पाइप्स में जमा होने लगता है। बल्कि कैल्शियम को जो भी सरफेस मिले, वो चाहे पाइप्स हो, वो चाहे एमएस हो, प्लास्टिक, पत्थर या फिर हमारा स्किन, जो भी मिले कैल्शियम उसे पकड़ लेता है। जब ये पानी हमारे बाथरूम्स में आता है तो हमारे बाथरूम के जो नल हैं और जो शावर्स हैं, कमोड्स और वॉश बेसन्स, इन सब को ख़राब करता है। इनके सरफेसेस बड़े रफ़ लगने लगते हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ नई भी हों तो ये बहुत ही जल्द पुरानी लगने लगती हैं। इसके अलावा आपके बाथरूम्स में जो गीज़र्स लगे होंगे, इन गीज़र्स के हीटर एलिमेंट्स को भी ये ख़राब करता है और आपके नए गीज़र्स जो आपको शायद उम्मीद थी कि 5 साल तो ये गीज़र्स चल जाएंगे, इनकी लाइफ स्पैन घटकर 2.5 से 3 साल की हो जाती है। इसके अलावा जब आप ये पानी अपने किचन्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बर्तन हैं उन बर्तनों पे ये कैल्शियम जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से सफ़ेद रंग के दाग धब्बे बर्तनों पर आने लगते हैं, वो चाहे स्टील के बर्तन हो या फिर किसी और मटेरियल के बने हुए बर्तन, कटलरी या क्रॉकरी हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारी त्वचा को और हमारे बालों को ख़राब करता है। जब हम हाथ मुंह धोते हैं या नहाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारी त्वचा में, हमारे स्किन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन रैशेस होते हैं और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। हम बहुत ही कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो जाते हैं और महिलाओं में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनके अच्छे खासे बाल, जिसकी मकदार बहुत ज़्यादा थी होगी, वो कम होने लगती है। बालों से अपना कुदरती टेक्सचर उठने लगता है, काले रंग के बाल सफ़ेद या कोई और रंग में तब्दील हो जाते हैं। आपके बच्चों को ख़ास तौर से डेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और जो आपके कपड़े हैं इन कपड़ों का रंग उड़ने लगता है और नए कपड़े भी बहुत जल्द पुराने हो जाते हैं। और जो आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, ये वॉशिंग मशीन्स भी ख़राब हो जाते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है और इसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जब ये पाइप्स में क्लॉग होता है तो पाइप्स का जो साइज़ होगा वो चाहे आपके 1 इंच के पाइप्स हों या 1.5 इंच या 1/2 इंच के पाइप्स, ये पाइप्स को इस तरह क्लॉग कर देता है कि प्रेशर की कमी होने की वजह से आपको अपने शावर्स और नलों से बाथरूम में पानी बहुत कम आने लगता है। और इसके अलावा आपके बाथरूम फिटिंग्स में जंग भी आने लगता है। इस वजह से आपको अपने बोरवेल के पानी को यानी हार्ड वाटर को ट्रीट करके इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एग्जामिन करते हैं कि इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में कौन से टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं।
हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए बुनियादी तौर पर दो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जिसे आप कहते हैं आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत पुरानी है और 100% इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आपके बिल्डिंग पर जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं उन टैंक्स के पास एक FRP सिलेंडर को फिट किया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है, और इस सिलेंडर्स में रेजिन नाम का एक मटेरियल होता है। ये रेजिन बोरवेल के पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को खींच लेता है और उसके एक्सचेंज में सोडियम आयन्स को रिलीज करता है। इसकी वजह से पानी सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आपको मेंटेनेंस का काम भी होता है। इसमें जो रेजिन आपके पानी से नमक निकाल रहा है, इस रेजिन को मोटे नमक से धोना होगा, जिसे रीजनरेशन कहा जाता है। ये रीजनरेशन हफ्ते में एक मरतबा आपको करना होगा, जिसके लिए आपको बहुत सारा मोटा नमक लगता है। ये आप रीजनरेशन मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक सॉफ्टनर्स लेकर इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन तो होता ही है। और ये टेक्नोलॉजी आपके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं और आप रोज़ाना कितने लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, 2000 लीटर, 5000 लीटर या 10000 लीटर, इस पानी को कंसिडर करके ये आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के हार्ड वाटर सॉफ्टनेस की कैपेसिटी बिल्ड की जाती है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड मैन पावर यानी किसी ज़िम्मेदार शख्स को रखना होगा जो हर हफ्ता डेडिकेटेडली रिलीजियसली चेक करें, वो चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, कि रेजिन रीजनरेशन हो रहा है। इसके अलावा आपको जो सॉल्ट्स हैं वो हर साल एक एवरेज 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए आप जो सॉफ्टनर लगाते हैं, आपको तकरीबन 5000 रुपये का सॉल्ट सालाना लगेगा। और इसके अलावा हर 3 साल में एक बार आपको रेजिन चेंज करना होगा। जो दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसे हार्ड वाटर एंटी स्केल कंडीशनर्स कहा जाता है, जैसे कि नीति प्योर ट्रिपल वॉर्टेक्स एंटी स्केल कंडीशनर्स। ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें वॉर्टेक्स और कंडीशनर्स जो स्टील के लगते हैं, इसमें कई तरह के मीडिया हैं। ये पानी को उस मीडिया से घुमाकर पानी को सॉफ्ट बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। इट्स अ फिट एंड फॉरगेट सॉल्यूशन। ना इसमें नमक की झंझट है, ना इसमें रीजनरेशन की झंझट है, ना आपको कोई मैन पावर डेडिकेटेडली लगाना है जो ट्रैक कर सकें कि रीजनरेशन हुआ या नहीं। ये बस एक मरतबा लगाइए और भूल जाइए। आप इस सॉल्यूशन को भी इंडिपेंडेंट हाउसेस, विलास के अलावा बड़े मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स में भी लगा सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसे स्केलर्ट कहा जाता है। ये स्केलर्ट माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। अगर लोगों को अपने पाइप्स में प्रेशर कम होने का डर हो तो लोग स्केलर्ट के लिए ऑप्ट करते हैं, जो पानी में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स फील्ड क्रिएट करता है। और वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हों, जिसके पास ये दुश्वारी है कि उनके ओवरहेड टैंक्स इनके कंट्रोल में नहीं है बल्कि ये सोसाइटी के है, तो सारे सोसाइटी को मिलकर ही इस पर एक्ट करना होगा। उनके लिए बाथरूम सॉफ्टनेस और शावर और टैप फिल्टर्स जैसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। बाथरूम हार्ड वाटर सॉफ्टनेस आपके एक बाथरूम की हद तक काम करते हैं। ये आप चाहे तो अपने गीजर्स पर अटैच कर सकते हैं या फिर अपने बाथरूम के एक इनलेट पाइप पर, जिससे जो पानी आपके गीजर्स में जाता हो या बाथरूम की हद तक जो नल शावर्स में जाता हो, ये पानी को सॉफ्ट करता है। इसके अलावा अगर आप एक स्टैंडलोन टैप या शावर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ आप जिस शावर पे इसको लगाएंगे उस शावर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट करके देगा। याद रखिए कि फाइनली आप अपने लिए जो भी टेक्नोलॉजी चूज़ करें या जो भी प्रोडक्ट चूज़ करें, नीति प्योर इन सारे टेक्नोलॉजीज़ और इन सारे प्रोडक्ट से डील करता है। नीति प्योर के पास अपने ख़ुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तो है ही, इसके अलावा ये दूसरे कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट से भी डील करता है, जैसे कि केंट, मिस्टर प्लम्बर और 3M। हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स के अलावा नीति प्योर कई और वाटर प्योरीफिकेशन सॉल्यूशंस भी देता है, जैसे कि कमर्शियल RO प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, STP और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो नीति प्योर के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप
बड़ी आसानी से इनके साथ कनेक्ट हो सकें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फौरन मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।